देखा, मैंने तुझे कहा था कि इस हवेली में आत्मा है, आत्मा। हाँ यार, मैं तेरी बात मान लेता तो ठीक होता। चल कौन है? कौन हो? होते क्यों नहीं? कहाँ भाग रहे हो? हमें इस शो में काम नहीं करना, जा रहे हैं हम। चल आ जा हमारे पास से। रुको, यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं मगर अपनी मर्जी से जाते नहीं है। चल कितनी भी कोशिश कर लो, जाने नहीं देगी वो तुम्हें। सबसे पहले हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये दरवाजा तो बंद है। ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। ये दरवाजा भी बंद है। अब हम यहां से बाहर कैसे जाएंगे? आत्मा रोक रही है हमें बाहर जाना। इनका मतलब अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे तो मरेंगे सबके सब। कोई तो रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। करीना हटो वहां से, पीछे आओ। चलो करीना। राहुल, राहुल मैं सबको बुला के लाती हूँ। सबको छोड़ो, पहले हम लोग बाहर निकलते हैं। करीना संभाल के। चलो जल्दी करो। क्या हो रहा है? राघव,
राहुल तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ? पता नहीं, मैं मेरा पैर हिल ही नहीं रहा था। हिल नहीं रहा था? एक मिनट, करीना बाहर है। जब करीना बाहर गई थी इसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब तुम बाहर गए थे तो हर्ष, इसका मतलब लड़कियां बाहर जा सकती हैं, लेकिन हम लड़के नहीं। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन प्लीज सोना मत, सुनो सुनो, वरना वो लड़की तुम्हें मार डालेगी। प्लीज सो मत। मुझे बहुत नींद आ रही है, अब आंखें खुली रखना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ, प्लीज मत सो। तुलिका का भी कोई पता नहीं, कहीं तुलिका को उसने मार तो नहीं दिया? कब तक जूझते रहेंगे हम इस हालात से? अगर किस्मत में मौत ही लिखी है तो आने दो उसको। प्लीज ऐसा मत कहो, इस तरह हार मानने से कैसे काम चलेगा? देखना हम सब लोग बच जाएंगे, है ना राहुल? राहुल, 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 जागो राहुल, जागते रहो प्लीज, सोना मत राहुल। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, प्लीज सोना मत। यामिनी मेरी बात मान लो, तुम इन सारी लड़कियों को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना तुम सब भी बेमौत मारी जाओगी। कायर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें और राघव को इतनी बड़ी मुश्किल में अकेले छोड़ के चली जाऊँ। हर्ष, हम तीनों यहाँ साथ आए थे और साथ ही वापस जाएंगे। और हर्ष, ओ आत्मा भी तो आई नहीं है कैमरा में। लेकिन राघव, हम उस आत्मा को कैमरे में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? वो आत्मा सिर्फ सपने में दिखती है, सपने में हम कैमरे को कैसे लेकर जा सकते हैं? हर्ष, कहाँ जा रहे हो? मैं सारा को देखने जा रहा हूँ। धीरज के मरने के बाद तब से उसकी लाश के पास अकेली बैठी हुई है। ठीक है। राहुल, राहुल, ये लो, जल्दी से एक कॉफी पी लो, इससे तुम्हारी नींद दूर भाग जाएगी। ये लो। नहीं करीना, मैं अब और कॉफी नहीं पी सकता और ना ही मैं ज्यादा देर जाग सकता। नहीं राहुल, प्लीज ऐसा मत बोलो। राहुल, राहुल प्लीज, प्लीज सोना मत राहुल। देखो राहुल, प्लीज सोना मत, अगर तुम सो गए ना तो तुम मर जाओगे। राहुल, राहुल प्लीज सोना मत। राहुल, राहुल प्लीज उठो। राहुल, राहुल प्लीज उठो। राहुल, संभालो अपने आप को। चलो नीचे चलो, पानी तक नहीं पिया तुमने कब से? नहीं पीना चाहती पानी, मर जाना चाहती हूँ मैं भी। ऐसे मत कहो सारा, हमें इस हवेली से बाहर निकलना, जिंदा। क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? क्यों किया गया रियलिटी शो का नाटक हमारे साथ? ताकि हम फंस जाएं इस हवेली में और उस आत्मा को उसका शिकार मिल जाए। बेचारे राजेश और राधिका, वो तो शायद जंगल में ही मारे गए हैं। ओ
हवेली का लालच नहीं करना चाहिए था हमें, नहीं करना चाहिए था हमें। ठीक है, क्या हुआ? तीरज की आंखें देखो, इनकी इनकी तो आंखें हिल रही है। हाँ, जिस तरह राघव की आंखें हिल रही थी जब वो सपना दिख रहा था। मतलब? मतलब धीरज शायद जिंदा हो सकता है। लेकिन इसकी नब्ज तो बंद है। फिर क्या फायदा? नब्ज बंद है फिर तो वो मर ही चुके होंगे ना? नहीं सारा, कभी कभी लोगों की आत्मा उनका शरीर छोड़ के चली जाती है, पर वो जिंदा होते हैं, मरते नहीं है। यानी अभी भी बचा जा सकता है धीरज को? हाँ, शायद कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा धीरज को इस दुनिया में वापस लाने का।